हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बी बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इसमें। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। सपोज ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 2 मीटर। बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है 3 मीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो थीटा जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी है, ये दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। अब देखिए पार्ट ए बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालने के लिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए हमारा है 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट बी में बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। तो ए हमारा हो गया 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू साइन 60, √3/2 हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 3√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।